हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीटीएच टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मेलबर्न यूनिवर्सल एचडी बॉक्स का अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। इसके बोर्ड की इन्फॉर्मेशन और इसमें क्या क्या खास मिलता है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिए। और दोस्तों, आप डीटीएच के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मेलबर्न का बहुत ही शानदार बॉक्स है। यहाँ पे मेलबर्न बहुत ही पुरानी कंपनी है। डीडी फ्रीडिस का सबसे बेस्ट बॉक्स MPG2 में मेलबर्न का आता था, जो सालों तक अभी भी चल रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का इसका जो सामान है वो मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका HD बॉक्स आया हुआ है, तो मैं आपके सामने इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मेलबर्न यूनिवर्सल HD इसका नाम है। और यहाँ पे फ्री टू एयर बॉक्स है, इसमें आप बहुत कुछ जुगाड़ भी कर सकते हो। इसमें आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। फुल HD बॉक्स है, इसमें यूट्यूब चल जाएगा। और इसमें क्या क्या सिस्टम वो यहाँ पे सारी दी हुई है। यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे चार कलर में आपको मिल जाता है, येलो, ब्लैक, रेड और वाइट। चार कलर में ये बॉक्स आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये रेड बॉक्स है और यहाँ पे इस साइड में आप देख सकते हो ब्लैक बॉक्स का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। और इसमें मेन फीचर है वो यहाँ पे लिखे गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे फटाफट हम डब्बे को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले एक मेलबर्न का HD बॉक्स मिल जाता है। इसके बाद हम कवर निकालेंगे तो इसमें आपको ऑडियो वीडियो पिन मिल जाता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और इसमें 3.5 mm जैक पिन वाला ऑडियो वीडियो केबल है, जिससे आप CRT TV में HD बॉक्स चला सकते हैं। तो क्वालिटी बहुत ही शानदार है। फिर यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो इसमें आपको एक मेलबर्न का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिमोट मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेलबर्न का ब्रांडिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे रिकॉल का बटन है, ऑडियो चेंज करने का बटन है। ऐसा ही शानदार क्वालिटी का इसमें आपको रिमोट मिल जाता है। और कुछ डेलीकेटेड बटन है, जैसे कि ये बटन प्रेस करेंगे तो आपका यूट्यूब चल जाएगा। फिर IPTV का है, ऐसे शानदार क्वालिटी का रिमोट है। और पीछे लिखा है MPG4 HD। और इसमें AAA साइज के दो बैटरी लग जाती है। तो यह रिमोट की बात, क्वालिटी बहुत ही शानदार है। फिर दोस्तों, आप आगे देखेंगे तो इसमें आपको एडाप्टर मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेलबर्न का एडाप्टर मिल जाता है, बहुत ही बड़ी साइज़ का है। और ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर का साथ में आपको एडाप्टर मिल जाता है। और यहाँ पे लिखा है मेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बना हुआ है, तो ये एडाप्टर है। और दोस्तों, आपको लास्ट में जो बॉक्स मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार के मॉडल में हमें ये बॉक्स मिल जाता है। पूरा का पूरा रेड डब्बा है और मजबूत प्लास्टिक है, इसमें बहुत ही मजबूत है और एक बार गिर जाए तो भी कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो स्टैंड बाय का बटन है, मेनू, ओके, चैनल माइनस, चैनल प्लस, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, ऐसे बटन आपको ऊपर ही मिल जाते हैं। और यहाँ पे इसकी ग्रिप भी दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है, मेलबर्न यूनिवर्सल HD लिखा है, डाइसेक्ट स्विच 1.2 यहाँ पे लिखा है। आप इसके बैक पैनल की बात करेंगे तो एंटीना का केबल है वो यहाँ पे लग जाएगा। USB के दो पोर्ट हैं, जिसमें आपको वाईफाई लगाना हो या फिर पेन ड्राइव लगाना हो तो यहाँ पे दोनों पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। HDMI केबल का एक पोर्ट है। फिर ऑडियो वीडियो केबल है, वो आपको यहाँ पे लगाना है। इसमें 3.5 mm जैक पिन दिया हुआ है, तो ऐसे आपको कनेक्ट कर लेना है और आपको ये CRT TV में लगा देना, तो आपका TV चल जाएगा। फिर दोस्तों, यहाँ पे RS232 का सॉकेट भी दिया हुआ है, 3.5 mm वाला RS232 का सॉकेट है। फिर इसमें आयर सेंसर का एक अलग से पोर्ट दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे आपको 12 वोल्ट इनपुट देने हैं एडाप्टर के, तो आपका बॉक्स चल जाएगा। तो इस प्रकार का बॉक्स है और नीचे कुछ वेंटिलेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, इसके बाद इसका मेनू का सिस्टम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन सा बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। और इसमें जो बोर्ड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। GX6605S का बोर्ड लगा है, इसमें कुछ GX का नया बोर्ड लगा है। और यहाँ पे जो पैनल है वो आगे दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा बोर्ड है और सेटअप बॉक्स भी बहुत ही शानदार है। इसके आपको सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे मिल जाएंगे और मैं मेरे दूसरे चैनल पर इसका सॉफ्टवेयर भी आपको दे दूँगा।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसका मेनू का इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सेटअप बॉक्स का मेनू का इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप सेटअप बॉक्स ऑन करेंगे और मेनू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मेन मेनू इस प्रकार नज़र में आएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है इंस्टॉलेशन, जिसमें आपको एंटीना सेटिंग, सैटेलाइट लिस्ट, टीपी लिस्ट, मोटर सेटिंग और फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन में ही मिल जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन है एडिट चैनल, जिसमें आपको टीवी चैनल, रेडियो चैनल और डिलीट ऑल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर आपको तीसरा ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज करना हो, इसका रेजोल्यूशन चेंज करना हो, ये भी सेटिंग में आपको मिल जाएगा। फिर ओएसडी सेटिंग है तो ओएसडी सेटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर कलर सेटिंग है, लॉक कंट्रोल है और यहाँ पे आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो इसमें GX6605S हार्डवेयर वर्जन 203 का इसमें बोर्ड लगा हुआ है और इसका एक्सेस कंट्रोल भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइमर सेटिंग मिल जाएगा, फिर मीडिया सेंटर मिल जाएगा, लास्ट में आपको इंटरनेट ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको वाईफाई मिल जाएगा। इसमें आपको 7601 का वाईफाई लग जाएगा। फिर नेटवर्क सेटिंग है, फिर वेदर है, इसमें आपको यूट्यूब चल जाएगा, IPTV चल जाएगा और यहाँ पे आप DLNA रेंडर भी चल जाएगा जिसमें आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक कोड प्रेस करना है जिसमें आपको एक्सेस कंट्रोल मिल जाएगा, जिसमें कोड है 6666। चार बार 6 प्रेस करेंगे तो आपको लास्ट में सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा। शानदार क्वालिटी का 6605X का बॉक्स है, मेलबोर्न यूनिवर्सल HD। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों मुझे आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल पे नए मेहमान प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।